बजट से पहले सचिन पायलट की यात्रा, क्या ये यात्रा पार्टी अध्यक्ष के लिए अल्टीमेटम? आखिर क्या चाहते हैं पायलट? नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का स्पेशल सेगमेंट अंदर की बात। अंदर की बात में हम आज बात करने वाले हैं सचिन पायलट की यात्रा को लेकर के, कि आखिर ये यात्रा सचिन पायलट क्यों निकाल रहे हैं, आखिर क्यों ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है और आखिर सचिन पायलट क्या चाहते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस समय राजनीतिक जानकारों और उनके समर्थकों के मन में चल रहे हैं, क्योंकि सितंबर के घटनाक्रम को अब तक 4 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक गहलोत की टिकड़ी पर कोई फैसला नहीं लिया गया और पायलट को न्याय नहीं मिला। सत्ता प्रमुख की कुर्सी की खींचतान तो कांग्रेस में काफी समय से चल रही है, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला और पायलट ने अपना शक्ति प्रदर्शन करना फिर से शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में कितनी कामयाब होगी, ये फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन खुद कांग्रेस के लिए राजस्थान का किला बचाना अब हल्दी घाटी के युद्ध से कम नहीं दिखाई दे रहा। वहीं साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत और इस कुर्सी के प्रबल दावेदार सचिन पायलट के बीच उलझा हुआ 36 का आंकड़ा अभी तक ना तो सुलझा है और ना ही उसके सुलझने की कोई आसार दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। अपनी ही पार्टी के भीतर चल रही वर्चस्व की लड़ाई में आग में घी डालने का काम खुद सचिन पायलट ने किया है। 16 से 28 जनवरी तक सचिन पायलट वहां जनसभाएं कर रहे हैं जहां पर जाट और राजपूत काफी संख्या में मौजूद हैं। इसे पायलट की स्वाभिमान यात्रा का नाम दिया जा रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि 28 जनवरी को ही पीएम राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचकर के केंद्र की कुछ अहम घोषणाओं का ऐलान करने वाले हैं और इसे चुनाव प्रचार के लिए एक बड़े एक्सीलेटर के रूप में देखा जा रहा है कि बीजेपी को ये किला कांग्रेस के हाथों से कैसे छीनना है। सचिन पायलट की इस यात्रा ने कांग्रेस के अंदर और बाहर काफी ज्यादा माहौल गर्मा दिया है और राजनीतिक हलकों में जो एक्सपर्ट हैं वो इसके अपने अपने तरीके से मायने निकाल रहे हैं। पार्टी के कुछ नेता इसे प्रेशर पॉलिटिक्स यानी कि दबाव की राजनीति मान रहे हैं, लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग इसे गांधी परिवार के साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी एक अल्टीमेटम मान रहा है। हालांकि ये याद रखना बेहद जरूरी है कि सचिन पायलट के पास पॉलिटिक्स का अनुभव तो कम है, लेकिन उनकी रगों में उनके पिता राजेश पायलट का खून दौड़ रहा है। राजेश पायलट की माने तो उनका विरोध होने के बावजूद भी वो पार्टी के अंदर बने रहे थे और कभी भी उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और इसी राह पर उनके बेटे सचिन पायलट लगातार चल रहे हैं। उनकी इस यात्रा का कोई नकारात्मक संदेश नहीं जाना चाहिए, लोगों के बीच जाकर के उनसे सीधा संवाद करने की इस कवायद को वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फॉलोअप करते हुए भी दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवंबर 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए यानी कि तब तक सचिन पायलट सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा को बरकरार रखना चाहते हैं। फिलहाल अभी के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपके लिए अंदर की बात का और एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आएंगे, जिसमें राजस्थान की राजनीति की वो अंदर की बात होगी जो आप तक पहुंचनी बेहद ज़रूरी है। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।